रांची के टाटीसिल्वे स्थित झारखंड टूल रूम संस्थान में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जहां 156 छात्रों को डिग्रियां दी गई। इस मौके पर सबसे बड़ी बात यह रही कि जितने छात्रों को डिग्रियां दी गई उन सभी का प्लेसमेंट हो चुका है। और इस मौके पर प्राचार्य और मौजूद अतिथियों ने कहा कि यह संस्थान की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि सभी छात्रों को डिग्रियां मिलने से पहले नौकरियां मिल गई हैं। दिखाते हैं एक रिपोर्ट। सिल्वे स्थित झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम के सभागार में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्लोमा टूल एंड डाई मेकिंग के 2014-15 और 16 बैच के छात्रों को डिग्रियां दी गई। साथ ही 2014 बैच के टॉपर संदीप कुमार, 2015 बैच के टॉपर विकास कुमार महतो और 2016 बैच के टॉपर कुमार भरत को गोल्ड मेडल से ही नवाजा गया। बतौर मुख्य अतिथि दीक्षांत समारोह में पहुंचे झारखंड सरकार के औद्योगिक सचिव जितेंद्र कुमार सिंह ने छात्रों को कोर्स पूरा होने पर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि छात्र जहां भी जाएं अपना बेस्ट दें, जिससे झारखंड के साथ साथ उनका भी विकास हो सके। वहीं संस्थान के प्रिंसिपल एमके गुप्ता ने कहा कि उनके यहां पढ़ने वाले सभी छात्रों का प्लेसमेंट हो चुका है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि देश में नौकरियों की कमी नहीं है, बस स्किल्ड लोगों की कमी है। जी, जो प्रेजेंट छात्र हैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा मैं कि अभी जिस भी कोर्स में वो एनरोल्ड हैं उस कोर्स में अपना जी लगाकर मन लगाकर सारी पढ़ाई करें, सारा अच्छे तरीके से सीखें, क्योंकि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। अलग अलग तरीके के इनोवेशंस हो रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इंडस्ट्री 4.0 के हिसाब से नई नई रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ रही है। तो जो नई रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री, उसके हिसाब से वो अपने आप को ढालें, अपने आप को तैयार करें और नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपने आप को अपग्रेड करते रहें। और टूल रूम जो है वो नई जो हमारी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यहाँ कोर्सेज को भी डिज़ाइन कर रहे हैं। अलग अलग तरीके की मशीन्स भी यहाँ पर हैं और उसी हिसाब से उनको नई लेटेस्ट नवीनतम टेक्नोलॉजी के बारे में बच्चों को बताया जा रहा है। तो वो उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए यही कामना है कि अच्छे से कोर्स यहाँ से करके निकलें और जिस भी इंडस्ट्री में जाएं उस इंडस्ट्री में अपना बेस्ट दें, जिससे कि झारखंड की GSDP भी इंक्रीज़ हो और उन लोगों का पर्सनल कैरियर डेवलपमेंट भी इम्प्रूव हो। देखिए, मेरा तो ऐसा सोचना है कि आप नौकरी की कमी नहीं है, स्किल्ड लोगों की कमी है। अगर आप राइट काइंड ऑफ स्किल, आज चाइना जो है वो समझिए कि बहुत बड़ी इकोनॉमी बन गया है अपने मैन पावर की वजह से, यूँ कहेंगे स्किल्ड मैन पावर की वजह से। और अभी कल ही न्यूज़ आई है कि पॉपुलेशन में इंडिया नंबर वन हो गया है। अगर हम अपने इस मैन पावर को अच्छी तरह से स्किल्ड कर लें तो चाइना को हम लोग भी पीछे छोड़ सकते हैं, और झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम यही काम कर रहा है। वहीं संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद नौकरी पा चुके छात्रों ने इस जगह से पढ़ने को अपने लाइफ का बेस्ट डिसीजन बताया। गोल्ड मेडलिस्ट विकास कुमार ने बताया कि संस्थान में ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि छात्र इंडस्ट्री में चुनौतियों को फेस कर पाते हैं। देखिए, जैसा कि आप पहले से जानते हैं, झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम उद्योग विभाग का एक उपक्रम है, जहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एज वेल एज थियोरिटिकल का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन नॉलेज मिलता है। वाकई में आज हमारे सीनियर, सुपर सीनियर और हम खुद 16 बैच आए हुए थे, जिसमें से हम में से मोस्ट लोग जो हैं वो वेल प्रिपेयर्ड जगह पर काम कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं बड़ी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आगे हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि टूल रूम का कोर्स जो है आपको इतना काबिल बना देता है कि आप अपना बेसिक स्टार्ट लाइफ का कर सकते हैं। और फाइनली टूल रूम में पढ़ना मेरे लिए तो सबसे बेस्ट डिसीजन रहा। देखिए, ये कहना गलत होगा कि रोज़गार के अवसर कम होते जा रहे हैं। रोज़गार उन लोगों के लिए सदैव हमेशा खुले रहेंगे जो अपने आप को उस लायक, उस काम के लायक बना रखे हैं। और हमारे इस संस्थान में हमें इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, कोर्स डेवलप किया गया है कि बच्चों में वैसे स्किल्स आ जाते हैं जो इंडस्ट्री में फेस कर सकते हैं। वो हमेशा तैयार रहते हैं कि अपने आप को एक बेहतर विकल्प के तौर पे किसी भी कंपनी या किसी इंडस्ट्री को या किसी सर्विस को ज्वाइन करने के लिए उनमें वैसे काबिलियत डेवलप हो जाती है इस कोर्स के दौरान। वाकई में संस्थान ने अपनी ओर से छात्रों को स्किल देने के साथ साथ रोजगार से भी जोड़ने का काम किया है, जो अपने आप में एक मिसाल है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसे संस्थान और भी खुलेंगे ताकि छात्रों का ज्यादा से ज्यादा कल्याण हो सके। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन विकास के साथ नीरज कुमार की रिपोर्ट।